Friends, this song is from movie Kalabajar. There was a release in 1960, and it's picturized on Devanand, so it is tribute to Devanand. And the music director is S.D. Burman, and lyricist is Shailendra Ji. This is one very, you might be aware of this, छोटा सा इसके बारे में है, वो मैं बताना चाहूंगा कि शैलेंद्र जी ने को आशीष बर्मन साहब ने टेलीफोन किया कि ये यार एक ऐसा सॉन्ग है इस ऐसी सिचुएशन पर, तो वो तो तैयार कर, तो वो काफी बिजी चल रहे थे शैलेंद्र जी, तो शैलेंद्र जी से 15-20 दिन के अंदर वो काम उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो दोबारा से फिर उन्होंने उसको अपने बेटे राहुल देव वर्मन को कहा कि तू उनको जाके बता कि मैंने एक रिक्वेस्ट भेजी हुई है, वो हुई नहीं, तो उन्होंने कहा यार वो नहीं कर सका, मैं बिजी चल रहा हूँ, तो दोबारा से फिर उन्होंने उसको टेलीफोन किया और अपने बेटे को कहा कि तू उनके साथ रहे और ये सॉन्ग को मेरे को जल्दी चाहिए, तो जल्दी तैयार करवा, तो वो साथ रहे एक दिन के मेरे पास चला गया, सुबह चला गया, तो नेक्स्ट डे मेरे को कुछ ला के दे कंटेंट, तो ये जो राहुल देव वर्मन सुबह उसे उनके साथ चले गए, तो वो शंकर जयकिशन जी की शूटिंग चल रही थी, वो क्या आज चलते हैं वहां चलते हैं, शंकर जयकिशन की शूटिंग चल रही है, तो वहां जाके कोई देखते हैं मैं करूंगा, तो शंकर जयकिशन जी की शूटिंग पे वो जब गए स्टूडियो में, तो उनको राहुल देव वर्मन को देख के, आडी वर्मन को देख के, वो बड़े कहे तो मेरे को संगीत की ट्यून चुराने आया, क्या चक्कर क्या है, ये प्रॉब्लम क्या है, तो वो बड़ा असमंजस में पड़ गया, तो ठीक है, तो शाम को जाते टाइम वापस वापसी पर वहां से शैलेंद्र जी और दोनों आडी बर्मन कार में बैठे हैं और वो कहते हैं यार मेरा सारा दिन तो मेरा बेकार हो चला गया, तो मुझे कुछ कुछ न कुछ पापा को जाकर कुछ देना पड़ेगा, ऐसे तो मैं जस्टिफाई कैसे करूंगा, तो चल चलते हैं जूहू बीच पे चलते हैं, बैठ गए वो वहां जाके, तो क्या सिगरेट ले, तो आडी बर्मन कहता है मेरे बारे में पता है इसको, सिगरेट पीता हूँ मैं, ये क्या हुआ, तो चलो ठीक है, उन्होंने सिगरेट ला के दी और दिया, तो सिगरेट पी के वो अपना लगा के और वो देखते रहे, तो उनके दिमाग में आया कि मेरे को कागज दे, मेरे दिमाग में कुछ आज चल रहा है, तो उन्होंने सिगरेट का जो रैपर होता है ना जिसमें सिगरेट होती है, तो वो उनको ला के दिया, पेन दिया, तो उन्होंने लिखा कि ये खोया खोया चांद, तो ऐसा कुछ करके मुखड़ा तैयार हो गया, अब ये तू जाके तेरे पापा को बोलना, मॉर्निंग में उन्होंने एसडी वर्मन से मुलाकात हुई, उसके बाप बेटे की, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे को लिख के दिया कि वो कर विद इन ए वीक टाइम में पूरे स्टैंजर्स उसको मैं लिख के दूंगा, तो ये छोटा सा किस्सा है, थैंक यू। खोया खोया चांद खुला आसमान, आंखों में जारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी, हो खोया खोया चांद खुला आसमान, आंखों में जारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी, हो खोया खोया चांद, मस्ती भरी हवा जो चली, मस्ती भरी हवा जो चली, खिल खिल गई ये दिल की कली, मन की गली में है खलबली, के उनको तो बुलाओ, ओहो हो खोया खोया चांद खुला आसमान, आंखों में जारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी, हो खोया खोया चांद, तारे चले नजारे चले,
सारे चले नजारे चले संग संग मेरे वो सारे चले चारों तरफ इशारे चले किसी के तो हो जाओ ओ हो खोया खोया चांद खुला आसमान आंखों में सारी रात जाएगी तुमको भी कैसे नींद आएगी हो हो खोया खोया हो हो ऐसी ही रात भीगी सी रात ऐसी ही रात भीगी सी रात हाथों में हाथ होते वो साथ कह लेते उनसे दिल की ये बात अब तो ना सताओ ओ हो खोया खोया चांद खुला आसमान आंखों में सारी रात जाएगी तुमको भी कैसे नींद आएगी हो खोया खोया चले जिनके लिए हम मिट चले जिनके लिए बिन कुछ कहे वो चुप चुप रहे कोई जरा ये उनसे कहे ऐसे आजमाओ ओ हो खोया खोया चांद खुला आसमान आंखों में सारी रात जाएगी तुमको भी कैसे नींद आएगी हो हो खोया खोया चांद 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 खोया खोया चांद